प्रोफेसर साहब, आजकल भारत में युवा राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आप तो राजनीति शास्त्र के बहुत ज्ञाता हैं, तो आप कैसा देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है, खासतौर से जो बहुजन मूवमेंट है, उसमें युवाओं की क्या भागीदारी है और क्या होने वाला है? देखिए, भारत में मैं कहूँगा कि समाज के स्तर पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज युवा वर्ग जो है वो अपने अस्तित्व के लिए, वो अपने भविष्य के लिए, वो अपने आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा जागृत हो चुका है। उसको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है, खासतौर पे बहुजन आंदोलन है, उसमें भी युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। चाहे आप उसको मीडिया की वजह से कह सकते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखें, वहाँ पर उनकी भागीदारी को देख सकते हैं, तो वो अपने आप को आज इस आंदोलन का हिस्सा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलना है तो फिर उसमें युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। अपने आप में ये एक सकारात्मक चीज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बहुजन आंदोलन खासतौर पे चला, जब माननीय कांशीराम साहब ने 1984 के आसपास बहुजन समाज पार्टी को बना के इस आंदोलन को विस्तार दिया, तब उन्होंने खासतौर पे कि मुझे 20 साल तक के या 25 साल से ऊपर का व्यक्ति इस आंदोलन के लिए नहीं चाहिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस युवाओं पे दिया था। और आज उस वर्ग को जो उन्होंने लगभग 30 साल पहले तैयार किया था, वो आज देश के कोने कोने में काम कर रहा है, उनका अनुभव काम आ रहा है, और अभी भी अगले 30 40 साल या 50 साल जो है वो लोग इस आंदोलन में रहेंगे। मुझे युवाओं की भागीदारी में एक सकारात्मकता नज़र आती है। मैं जो ये दिखाई दिया कि जैसे 2 अप्रैल का बहुजन युवाओं का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और बहुजन युवा ऐसा दिखाई दिया कि बिना तैयारी के, बिना समझ के और बिना जानकारी के उतर गए, और उसका कुछ नुकसान हुआ, कुछ फायदा हुआ, तो उसको कैसे देखेंगे, क्या हुआ, कितना देखिए नुकसान? ये क्योंकि आप एक खास संदर्भ में अब बात कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। युवा अगर आता है तो वो जोशीला होता है, उसके अंदर उमंग होती है, उसके अंदर उत्साह होता है। सीधी सी बात है कि वो चीज़ों को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में बुजुर्ग या मैच्योर लोग देखते हैं। इसलिए जो दूसरी पीढ़ी है या तीसरी पीढ़ी है आंदोलन की, वो हमेशा से ज़्यादा ताकत के साथ काम करती है। 2 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, 2 अप्रैल को जो एक बड़ा भारत बंद हुआ था और उसमें बहुत देश के बहुत सारे हिस्से में बहुजन समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये उनके अंदर जो व्यवस्था के प्रति हताशा और व्यवस्था के प्रति एक आक्रोश है, वो इससे झलकता है। लेकिन ये बात सही है कि युवा हमें होश के साथ, हमें जोश के साथ साथ जो है होश की भी ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि कुछ बच्चे जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, उनको आंदोलन किस रूप में यहाँ तक पहुँचा है, आंदोलन की क्या क्या मूल या बुनियादी वैचारिक इसका बुनियाद है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन लोगों को पता ना होने की वजह से बहुत उतावलापन कई बार उनकी बातों में नज़र आता है। कई लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तुरंत बदल देना चाहते हैं। इसलिए वो जो प्रूवन हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जिनको हमने पहले से परखा हुआ है, उनसे भी कई बार इतर जाने की कोशिश करते हैं। आजकल जो बहुत सारे युवा नज़र आ रहे हैं आपको, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में युवा नज़र आ रहे हैं, उनमें भी ये उतावलापन नज़र आता है। जो अपने, चाहे वो मान्यवर साहब का आंदोलन हो, बाबा साहब या और हमारी जो पुरानी सामाजिक विभूतियां हैं, उनके आंदोलन से कई बार ये भटकते हुए नजर आते हैं। ये स्थायी नहीं होता। युवाओं का जोश जो है, इसको कह सकते हैं आप कि ये बाढ़ के पानी की तरह होता है, जो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से चारों तरफ इसका विस्तार होता है, लेकिन उसी तेजी के साथ ये उतर भी जाता है, उसी तेजी से उतर भी जाता है, और कई बार अपने पीछे जो है ये गंदगी छोड़ जाता है, कई बार अपने पीछे महामारी छोड़ जाता है। इसलिए अगर हमें इस एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो युवाओं को एक संगठित रूप में, युवाओं को कम से कम एक वैचारिक परिपक्वता के साथ जो है बांध के, या कहना चाहिए जैसे पानी के बांध, पानी को बरसात के पानी को बांध के रूप में इकट्ठा करके हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरीके से युवाओं की जो एनर्जी है उसको वैचारिक बांध में बांध के हम इसको समाज परिवर्तन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बांध में बनना चाहिए, कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुजन समाज के अंदर बांधों की बहुत कमी है। नहीं, बहुजन समाज के अंदर बांधों की कमी नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, पूरे देश के अंदर ऐसे सैकड़ों हजारों वैचारिक आंदोलन चले हैं जिन्होंने ब्राह्मीणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ संघर्ष किया है और एक निश्चित मुकाम तक पहुँचे हैं। कई बार ये हो जाता है कि हम लोगों को, हम उनको बता नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, लेकिन आज एक राष्ट्रीय बहुजन आंदोलन इस देश के अंदर है, जिसकी अपनी एक राजनीतिक समझ है, जिसकी अपनी एक वैचारिक समझ है,
जिसकी अपनी एक धार्मिक समझ है, जिसकी अपनी एक मैं कहूँगा कि पूरा का पूरा कल्चरल हिस्ट्री है। तो बांध तो बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो विरोधी पार्टी है या जो विरोधी समूह है उसके पास भी अपनी बहुत सारी मैकेनिज्म है जिनके द्वारा वो इन लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको जल्दी होती है, इनको पद की जल्दी होती है, इनको लाभ की जल्दी होती है, इनको सत्ता की जल्दी होती है। ऐसा देखा गया है कि जो शहरी युवा है, खासतौर से जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जिसने बहुजन के जितने भी हमारे महापुरुषों का ज्ञान हासिल नहीं किया है, वो थोड़ा सा इंग्लिश सीख के या थोड़ी और भाषा सीख के और वो तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, जबकि जो गांव का युवा है वो ज़मीन पर लड़ता है, वो मारा भी गया है, वो शहीद भी हुआ है, तो उसमें एक बेसिक अंतर दिखाई देता है आपको गाँव के युवा में और शहर के जल्दबाज युवा में? देखिए, शहरों में जो रहने वाले युवा हैं उनको अगर आप उनका उनकी वैचारिक परिपक्वता देखें या उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, मतलब आप गांव के किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, आज भी जातिवाद वहां पे जिंदा है, जाति उत्पीड़न चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है सबको झेलना पड़ रहा है, लेकिन शहरों में बहुत सारी जगह में उस तरीके से ये विजिबल नहीं है, आपको नज़र नहीं आता। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप कोई संगठन बनाते हैं, तब आपको ये जातिवाद नज़र आता है, लेकिन गाँव में तो ये रोज़ नज़र आपको आएगा। इसलिए गांवों के अंदर वो चिंगारी ज्यादा है, वहां का युवा जो है वो इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता है, जातिवादी व्यवस्था को ध्वस्त करके वो एक यहाँ पे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहता है। उस के मुकाबले शहर के जो युवा हैं वो ज़्यादा घुल मिल गए हैं, उनके साथ उस तरह का दुर्व्यवहार कम होता है, इसलिए कई बार वो दूसरे लोगों से सहयोग और दूसरे लोगों से तालमेल और कई बार विभीषण की भूमिका। अच्छा, ये बताइए आप तो क्योंकि राजनीति शास्त्र के ज्ञाता है, प्रोफेसर हैं, जो गांव का युवा है वो जो क्रांति कर रहा है और जो शहीद भी हो रहा है और जो जेल भी जा रहा है और जो मानने को तैयार नहीं है, उसे हर हालत में अपनी आज़ादी चाहिए, उसके लिए ऐसे क्या सुझाव हैं कि वो अपना कम से कम नुकसान किए हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मूवमेंट में ले या दे? देखिए, यहाँ पे मैं मान्यवर कांशीराम साहब की रणनीति जो है उसकी याद दिलाना चाहूँगा। देश में बहुत सारे हिस्सों में हिंसक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, चाहे वो नक्सलवाड़ी के नाम पे हो या फिर कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में और देश के दूसरे राज्यों में भी कई जगह हिंसा का सहारा लिया गया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कत्लेआम हुआ है, वहाँ पर युवाओं को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि आप राज्य के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, राज्य बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पर मान्यवर साहब की बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप राज्य के खिलाफ मत लड़िए बल्कि राज्य पे कब्जा करने की बात वो कहते हैं, राज्य को अपने नियंत्रण में रखने की बात करते हैं। राज्य को नियंत्रण में करने का मतलब लोकतंत्र में जिनके पास संख्या है, जिनके पास बहुमत है, उनका राज्य पे नियंत्रण होना चाहिए, राज्य आम व्यक्ति के लाभ के लिए चलना चाहिए, और यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे आपको वो सारे संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके द्वारा आप इकट्ठा होकर अपनी बात को मजबूती से कह सकते हैं। बाबा साहब ने भी 1949 में जब संविधान इस देश में लागू हो रहा था तब कहा था कि हमें जो है हमें अब हिंसा का सहारा नहीं लेना, गैर संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल ना करके अब हमें लोकतंत्र या संवैधानिक साधन जो है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें शासक बनना चाहिए। वो अगर रणनीति अपनाई जाती है तो जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने उस समाज को जिसके पास धन नहीं था, जिसके पास बहुत शिक्षा नहीं थी, जिसके पास संगठन नहीं था, उसको इकट्ठा किया और 20 साल के अंदर ही 20 साल भी क्या 1984 में BSP को बनाया और 1996 में BSP को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और उत्तर प्रदेश में 4 बार उन्होंने अपना शासन लाके एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। तो मुझे लगता है कि संघर्ष होना चाहिए लेकिन संवैधानिक साधनों के द्वारा संघर्ष। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे क्योंकि आपके पास तो 2500 प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स का एक ग्रुप है पूरे देश में जो 30 साल से काम कर रहा है और हजारों स्टूडेंट और हजारों छात्र ऐसे हैं जो आपके एकेडमी से और आपसे जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे संवाद करते हैं, तो एक क्या फ्यूचर देखते हैं शहर के युवा और गांव के युवा, ये बहुजन युवा मिलके आगे किस तरह के अचीवमेंट करने वाले हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है जो बहुजन युवा है और गैर बहुजन युवा के अंदर। जो गैर बहुजन युवा है वो भी आज स्ट्रेस में है उसके, क्योंकि आज बहुजन मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शहर का हो या गांवों का हो, दोनों जगह पे बहुत तेज़ी से लोगों ने प्रगति की है, आर्थिक प्रगति की है, सामाजिक प्रगति की है, राजनीतिक रूप से वो सशक्त हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, मैं उदाहरण के रूप में देखूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में आज देश की चले जाइए तो वहाँ का जो पढ़ा लिखा हमारा रिसर्च स्कॉलर है, PhD कर रहा है, MPhil कर रहा है, MA कर रहा है, वो रिसर्च स्कॉलर इस मूवमेंट को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझ के आगे
आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। खास तौर पे जातिवादी व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है और ये सभी जातियों जो शिकार जाति के लोग हैं वो इकट्ठा आ रहे हैं। और अगर यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है वहाँ के, चाहे मैं क्योंकि आपने कहा बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर अब समाज निर्माण की बात कर रहे हैं। जाति तोड़ो और समाज जोड़ो आंदोलन जो है वो पढ़े लिखे नवयुवकों के साथ और जो हमारे और साथी हैं वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे कि अब ये आंदोलन अपने मंजिल पर पहुँचने ही वाला है।